नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो बिट्स एंड बैंटर। आज हम ये दूसरा शो कर रहे हैं। आज ही की डेट में हम लोग बात करेंगे, कल जो क्रिकेट मैच जो है, पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ उसके लिए मेरे साथ जुड़े हैं जितेंद्र। नमस्कार जितेंद्र। नमस्कार नमस्कार तो आपके आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार तो जीत हासिल हुई और हम तो अपने बात पे अड़े रहे कि भैया जीत जीत तो गए, लेकिन हम तो चाहते थे टीम कि सिलेक्शन टीम के बदले। हिसाब से तो आप क्या लगता है, टीम बदलेगी जीत के बाद? अब मुश्किल लगता है मुझे। फोर्स चेंजेस हो सकते हैं, इंजरी के कारण अगर हो गए तो उसके कारण टीम चेंज हो सकती है, लेकिन अगर वो इंजर्ड नहीं है प्लेयर्स, जैसे रोहित शर्मा और पुजारा का इंजरी का थोड़ा स्केयर था, अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो आई थिंक वो सेम रहेगी। बट मैं कल कल लक्ष्मण को भी सुना था, लक्ष्मण ने भी क्लियर मतलब बोला है कि बिहारी को खेलना जरूरी है अजिंक्य रहाणे के जाए, तो वो तो उनका जो टाइटल था उस वीडियो का जो मैं देखा था, और बाद में उन्होंने डेफिनेटली अश्विन के बारे में भी कहा था, जो हम आई थिंक हम तीन तीन वीडियोस कर चुके हैं, तीन चार वीडियोस कर चुके हैं इसी बारे में कि हाँ ये खेलना चाहिए। वो तो आई थिंक एक्सपर्ट सुपर एक्सपर्ट भी हम सब एग्री करते कि ये क्या हो रहा है। हम भी एक्सपर्ट हैं। हम तो ये कहेंगे कि हम भी हम एक्सपर्ट भी हैं, एक्सपर्ट हो क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ, गए हमारे हमारे हाँ बिल्कुल में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, बात यही है कि हम आई मीन मेरे लिए ये बहुत सीधी साधी बात है कि टीम जीत गई, अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन रहा, सब कुछ सही रहा। लेकिन आप एक चीज़ ये है ना कि अगर आपके बेस्ट जो प्लेयर हैं वो भी वो चीज़ कर सकते हैं जो आपके रिप्लेसमेंट ने किया, ये आप क्यों नहीं समझते हैं? और प्रॉब्ली हो सकता है कि आप उस क्लोज सिचुएशन में भी नहीं पहुंचेंगे जब आपके बेस्ट प्लेयर खेल रहे हाँ, हो सकता है। अब हैं। जैसे रहाणे, इसी रहाणे को नीड्स अ ब्रेक, चाहे कुछ भी हो, शायद वो मतलब वो नहीं वो वो ही इज नॉट फोकस्ड इनफ। अब वो शायद डर के खेल रहे, जो भी है, गिव हिम अ ब्रेक, बिल्कुल है ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप उनको ब्रेक देते, शायद आप जैसे पिछले गेम में ब्रेक देते, इस गेम में शायद खेल सकते थे दोबारा। तो अब सिचुएशन आप सोचिए, जैसे आपने कहा जो इंजरीज केयर जो दो हुई थी पिछले मैच में, वो चेतेश्वर पुजारा की और रोहित शर्मा की थी। रोहित शर्मा तो आप सडनली आप देखें कि चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा है नहीं, आप ओपनिंग किससे करवाएंगे? पृथ्वी शॉ से करवाएंगे? पृथ्वी शॉ तो मतलब मैनचेस्टर के पिच में शायद वो एक दो ओवर भी लास्ट ना करें मेरे दो हिसाब से। बिल्कुल अगर कर जाए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन वो ही इज नॉट सूटेड फॉर दैट। तो आपके पास बचा कौन है ना? तो आप फिर आपको रहाणे को ओपन कराना पड़ेगा या फिर हनुमा विहारी बिल्कुल। को ओपन कराना पड़ेगा। बहुत अजीब अजीब सिचुएशन में फंस गए आप। और अगर हनुमा विहारी का आप ओपन करा तो उनके उनके लिए बहुत बड़ा माइनस था कि जो जो बंदा लो डाउन द ऑर्डर खेलता है उसका उसकी बैटिंग टेक्निक वो नहीं है, उसको इतना टाइम आप खिलाया नहीं, सड़ लिया आप उसको, अब आप जाओ ओपनिंग करो एंड आप इसको वही कढ़ाई में बात डाल है। देंगे। हाँ वही बात है ना, आपका मतलब कढ़ाई में डाल दिया आपने, उठा के कि बोला भैया अब तुम अब हम तुम तैर तलेंगे के आपको, निकलो बिल्कुल तैर के निकलो, हम तो तलने वाले हैं आपको। या तो तैर के बिल्कुल निकलोगे या तैर के निकलोगे, आपकी मर्जी। तो सी वो बात वही है। तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। जो ए टीम आपकी जो है वो ए टीम को खेलते रहनी चाहिए अनलेस देयर इज एन इंजरी। अगर आप अब शायद हमने पहले भी ये जिक्र किया था कि अश्विन आपका सबसे बेस्ट बॉलर है आज की डेट पे, स्पिन बॉलर, बिल्कुल सिर्फ आपका नहीं पूरे दुनिया का, कंट्री में, हाँ पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ स्पिनर है। तो आप उसको ट्रस्ट नहीं करके सिर्फ आप इसलिए किसी और को खिला रहे हो कि उसकी बैटिंग इनसे बेहतर है, तो वो तो यार बात हजम नहीं होती है। क्योंकि शेन बिल्कुल वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन बैटिंग के लिए नहीं खेलते थे, वो बॉलिंग के लिए खेलते थे। तो आपको वो बॉलर के हैसियत से ही आपको उनको देखनी पड़ेगी, ना कि ऑलराउंडर के। ये गलती विराट कोहली से हो रही है। और ये जो है, ये जितनी बार ये गलती होगी उतनी बार हम लोग एक वर्ल्ड बीटर को टीम से बाहर रखेंगे, और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो और दूसरी बात यह कि जो जो अश्विन की जो बॉलिंग स्टाइल है, मुझे हमेशा ये लगता है कि अब जैसे अगर हम वापस जाएंगे वर्ल्ड टी टेस्ट चैंपियनशिप में, जो उन्होंने बॉलिंग की थी, उन्होंने विकेट अपने पिच की हेल्प से नहीं निकाले थे, अपने डायल पे निकाले थे, तो बिल्कुल वो चीज बुमराह जैसे, बुमराह ने अपनी पिच की हेल्प के बिना ही उन्होंने विकेट निकाले, तो सेम चीज वो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दो ऐसे लिथल वेपन्स हैं, आप दोनों को नहीं एक साथ यूज कर रहे, तो आपसे बड़ा स्टबन तो प्लेयर कोई कैप्टन तो कोई हो ही नहीं नहीं, सकता। वो मतलब आपके आपकी आपके सोच को दर्शाता है कि आप शायद सही नहीं सोच रहे हैं। आप बैटिंग अपना, आपको लगता है कि अब आप देखें तो चार मैच हो गए हैं, जडेजा ने बैटिंग कंट्रीब्यूशन तो कोई किया नहीं है ज्यादा। खास एक नहीं किया, एक 50 मारे हैं, और एक बार तब मारे जब सारे आउट हो चुके थे, कोई मतलब नहीं था। और उसमें भी टेक्टिकल एरर्स उनके काफी थे। नहीं, वो एरर छोड़ो, मैं तो एरर की बात ही नहीं कर रहा। कितने रन बनाए आपने वही देखो ना। हाँ
आपको खिलाया गया है किस लिए, और आप और दिक्कत ये है कि आप बार बार आप इस आपको ये आप ये दर्शा रहे हो कि जडेजा श्योरिटी है टीम में, किस बेसिस पे श्योर है टीम में कि आप बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी तो एएसआई वाला चक्कर है ना कि भाई इतने साल से तो आप बैटिंग नहीं कर रहे थे, अभी एक दो साल से बैटिंग आपने करनी शुरू की, अश्विन के 5 शतक है, जडेजा के तो एक ही है ना टेस्ट में, एक ही है, तो वो कहाँ जाएगा फिर? अगर आप ये कह रहे हो कि वो अच्छा बैट्समैन है तो कहाँ है दिखाने के लिए? नंबर्स कहाँ है? नंबर्स भी तो होने चाहिए दिखाने के लिए, एवरेज भी तो होनी चाहिए, बैटिंग एवरेज भी तो होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट भी तो होनी चाहिए। किस बेसिस पे बोल रहे हो कि आप जडेजा जो है ही इज अ बेटर प्लेयर देन अश्विन फॉर दैट पर्पस? ना बैटिंग ना बॉलिंग, मेरे हिसाब से दोनों ही नहीं। बिल्कुल, तो किस बात? एंड देन उसके बाद क्या होता है कि वो नहीं शार्दुल को खिलाया अश्विन की जगह तो उन्होंने विकेट ले ली। अरे शार्दुल को अश्विन की जगह नहीं खिलाया, ये समझिए, हाँ अश्विन को खेलना चाहिए जडेजा की जगह, शार्दुल की जगह। तो अगर इंग्लैंड टीम में अगर कोई चेंज करते हैं, मतलब सैम करन अगर बैटिंग नहीं ऑलराउंडर बन के आते हैं तो वो ऑलराउंडर की पोजीशन पे आएंगे ना कि बॉलर की जगह, हाँ बेन स्टोक्स की जगह, और बेन स्टोक्स की जगह वो आ ही नहीं सकते जब तक बेन स्टोक्स टीम में है खेल रहे अपनी मर्जी से, हाँ अब खुद अपनी मर्जी से बाहर है तो वो सैम करन आ गए अंदर। तो ये बात होती है ना, ये लॉजिक है, ये तो बिना लॉजिक की गाड़ी चल रही है, लेकिन आप जीत रहे हैं तो इसलिए फिर कोई डिबेट नहीं है वो तो। और जीत दिक्कत तो ये है ना कि आप इस हिसाब से जीतेंगे तो आप जो है यू आर पुटिंग ए रॉन्ग प्रेसिडेंट ऑन दिस, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। अब देखते हैं अगले मैच में, आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूँ कि टीम शायद बदलेगी नहीं अगर जरूरत ना पड़ी, हाँ ना पड़ी तो। लेकिन अब मजेदार बात है कि मैनचेस्टर पिच भी ऐसी है जो तीसरे दिन के बाद टर्न करना शुरू करती है। तो अब देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जैक लीच खिला लिए, हाँ जी बिल्कुल उन्होंने, उनको पक्का मालूम है विराट कोहली को लेफ्ट आर्म स्पिनर पसंद नहीं है। तो अब जडेजा जो है स्पिन करते नहीं है, बिकॉज़ जैक लीच इज अ जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर, जडेजा जो है वो मतलब लेफ्ट आर्म से यॉर्कर फेंकते हैं। तो आई मीन दे आर डिफरेंट बॉलर्स, अब मैं ये नहीं कह रहा जडेजा इज अ बैड बॉलर, बट वो अलग है, वो आई मीन उनको आप स्पिनर जो फ्लाइट नहीं करते हैं, वो उनकी बॉलिंग की शैली बिल्कुल अलग है जो स्पिनर की बिल्कुल नहीं है। तो बिशन सिंह बेदी अगर को पूछे जडेजा के बारे में तो वो बताएंगे कि जडेजा तो लेफ्ट आर्म बॉलर ही नहीं है, बिल्कुल। तो वो मोटे तौर पे बात ये है, और बेदी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, 266 विकेट जिसने लिए हैं तो उसको आप सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं, क्वेश्चन तो आप किस, इतने सारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आप कह रहे हैं ये चीज, फिर भी आप उनकी भी बात नहीं माने और तो वो कोई मतलब ही नहीं है वहां। हाँ वो दिक्कत वही है। तो मेरे लिए तो ये है कि अगर आई मीन हो सकता है कि ये लास्ट इसमें विराट कोहली शायद ये डिसाइड करे 2 स्पिनर खिलाएं और 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, तो मेरे हिसाब से दैट डिपेंड्स ऑन कौन फिट है। तो फास्ट बॉलर में भी अगर जैसे शमी अगर फिट है तो आप किसको लेंगे फिर? क्या शार्दुल बाहर बैठेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं अगर आपको बैटिंग आपकी सॉलिड करनी है तो शार्दुल इज अ बेटर चॉइस। नो कंसिस्टेंटली नंबर दिखा रहा है ना, जडेजा ने तो नंबर नहीं दिखाया ना। तो मेरे हिसाब से शार्दुल को मैं खिलाऊंगा, शार्दुल को मैं खिला के आई माइट आस्क सिराज टू सिट आउट फॉर अ मैच, अगर 3 खिलाने तो मैं शार्दुल को जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि शार्दुल को पिछले गेम में अच्छी तरह यूज नहीं किया, दोनों बार जो है बहुत देर से बॉलिंग करने आया था, हाँ क्रूशियल विकेट उन्होंने तब भी निकाले, तो मेरे लिए वो थोड़ा कुछ अजीब सा है। और इंग्लैंड के लिए तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड को तो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मैच ये ड्रॉ कम से कम जीतना, ड्रॉ करके फायदा नहीं है, इंडिया जीत जाएगी, दे हैव टू विन, इट्स अ मस्ट विन फॉर इंग्लैंड। तो वो तो बिल्कुल बोलते हैं ना, दे विल कम हार्ड एट यू, वो अब वो देखना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से वो करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली फिर टॉस ना जीते क्योंकि फिर वो जो है ना, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे वो 1-0 का रेशियो है, एक मैच इंडिया जीती, एक मैच इंग्लैंड जीती, तो वहां पे भी थोड़ा सा तो वही है। तो मतलब पहला मैच जो है कोई जीता नहीं, शुक्र है, मतलब अगर वो बारिश नहीं आती तो इंडिया जीत जाती, हम सोच रहे हैं इंडिया हैड अ गुड चांस ऑफ विनिंग दैट। तो मेरे लिए तो मैं यही कहूंगा कि दे शुड गो विद द स्ट्रांगेस्ट टीम, एंड अगर तो टॉस जीत भी जाते हैं तो ही शुड पुट द ऑपोजिशन इन, उनके जो है 4-5 विकेट अगर आप जल्दी निकाल लिया आपने तो वो आप गेम आपके पास है, तो मैं यही कहूंगा। बिल्कुल, लेकिन उसमें जैसे आपने पहले बोला कि स्पिन करेगी पिच, तो वहां पे भी फिर एक दिक्कत आ सकती है, फिर वो बैटिंग के लिए खेलना चाहिए।
हाँ तो मतलब अगर इंडिया टॉस जीतती है तो आपके पास, आपको अगर आप ऑपोजिशन को बैटिंग करवाते हो, जैसे जैसे उम्मीद है इस बार कोहली वो शायद ना करें जो पिछली बार उन्होंने किया था, अगर वो करवाते हो तो उसमें दिक्कत ये होगी, उसमें फिर ये है कि आपकी जो फर्स्ट इनिंग्स है वो आपकी ओनली इनिंग्स होनी चाहिए, मतलब आपने 400 500 600 रन बना लिए, बिल्कुल तो तब तक वो नहीं होगा, तब तक फिर देन इट इज डिफिकल्ट। अब दिक्कत ये है कि जो आपके जो दो सिर्फ दो ही बैट्समैन आपके अच्छा चल रहे हैं आज की डेट में, चारों टेस्ट में ओपनिंग बैट्समैन है, दोनों ही ओपनर हैं, उनमें से एक अगर नहीं गलती से नहीं खेल रहा है या कोई इंजर्ड है तो आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है, वो तो शायद आज शाम तक ही पता चलेगा, हमने अभी क्योंकि टीम इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे फिट हों और तो इतनी इतना इतना इतनी चयन जो चयन कर रहे हैं टीम का तो उनको इतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे जो सिलेक्शन पैनल भी तो है, जो अपना सिलेक्शन पैनल तो नहीं मतलब हमारे जो मैनेजर और कोच और सारे के सारे जो हैं वो तो लॉकडाउन में है क्वारंटीन में है, तो वो एक और दिक्कत है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जीते। हाँ ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस अगर आ रहा था वो साइड में, और ये विराट कोहली, हाँ ये मालूम नहीं, हाँ ये मैं तो ये मैं इस चीज पे मैं मेरे को कुछ क्योंकि अपने को अंदाजा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि टीम जीते और वो पॉजिटिव ही रहे, जैसे हमने एक और शो में बताया था कि कोहली का स्ट्रेंथ जो है वो सेशन पर सेशन खेलते हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, एक सेशन अगर आप हार गए तो अगले सेशन वो जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे, तो आई थिंक दैट इज द वे टू गो, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आपकी जो बोलिंग अटैक जो है दैट शुड बी द बेस्ट बोलिंग अटैक यू हैव नॉट, एंड उसमें और कोई कंसिडरेशन नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी भी कहीं किसी भी टीम की कभी भी उस कंसिडरेशन में किसी भी टीम ने इस तरीके से टीम सिलेक्शन नहीं की होगी, आप देखें तो जो बॉलर है वो बॉलर है, बिल्कुल आप वो कुछ रन बनाए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो एडेड बेनिफिट है, एडेड बेनिफिट है, तो आप क्योंकि चार फास्ट बॉलर को यहाँ खिला रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार जो स्पिनर है उसको बैटिंग आनी जरूरी है, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट, प्रॉब्लम वहां पे एक्सपेक्टेशन गलत है आपकी, हाँ एक्सपेक्टेशन आपने गलत मार्क कर लिया उसमें तो, और उस एक्सपेक्टेशन में आप जड्डू जो है खरे उतरे नहीं, तो व्हाट एवर रीजन नहीं उतर पाए चार मैचों में, पांचवें में शायद कर लें वो अलग बात, लेकिन चार मैचों में तो वो उसमें उतर नहीं पाया, खरे नहीं उतरे उसमें, मतलब 50 रन 125 रन को 130 रन बनाया उन्होंने चार, इतने इतने आई मीन कितने इनिंग्स खेले वो, आठ इनिंग्स खेले होंगे, सात या आठ इनिंग्स खेले होंगे, तो ये कोई ऐसे नंबर्स नहीं है जो आपको लगेगा यार भयंकर क्या मजा आ गया देखो, तो है नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब ऐसे है नहीं तो आप फिर वो व्हाई टेक दैट रिस्क, व्हाई मेक दैट चेंज, दैट इज माय पॉइंट, तो यही है बस, तो हम उम्मीद करते हैं हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे मैच के आखिरी दिन या जब भी मैच खत्म हो, तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि मैच कितने दिन चलेगा वो तो हम लोग अब तो समझ में आ गया है, इंडिया को बैटिंग नहीं आती बोलते इंग्लैंड में, अब आप बोल रहे हैं इंग्लैंड में बैटिंग नहीं आती, इंग्लैंड को भी नहीं आती, नहीं आती, बस जो रूट को हटा तो कोई बैटिंग तो कर नहीं रहा है, चलिए बिल्कुल, और वहां पे भी अब दो दो एक प्लेयर्स को वापस ला रहे, तो बटलर भी वापस आ रहे, तो देखते हैं कि किसको कितनी क्या रहता है, बैटिंग कैसी होती है, बटलर तो जब गए थे तब भी उन्होंने कुछ उखड़ा नहीं था तो अच्छा ही मतलब बाहर ही थे, तो वापस आके भी पता नहीं क्या होगा, अगर मतलब खुश हो के आए हो कि मेरी बेटी हो गई तो इस खुशी में लेडी लक आ गया, हाँ लेडी लक आ गया तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है इस सीरीज में, तो मेरे लिए तो वो, लेकिन मेरे लिए आई वुड बी इंटरेस्टेड कि वो जैक लीच को खिलाते हैं या नहीं खिलाते, मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा देखने, वो देखने लायक चीज होगी, तो ठीक है चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू राज, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई कमेंट हो, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई आपके थॉट्स हो, इनपुट्स हो, बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिए, बिट्स एंड मेंटर को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।